حي على الفلاح मोहतरम सामईन कराम और मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अल्लाह तबारक व ताला के फ़ज़ल व करम से आज हम लोग हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से मालूमात हासिल करेंगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में हम लोग जानते हैं कि तमाम इंसानों के वो जद्द अमजद हैं, अबुल बशर का लक़ब उनको सूट करता है। तो इसमें जो है बहुत सारे लोग इस तजस्सुस में रहते हैं कि इंसानों का आगाज़ कैसे हुआ, इंसान जो इस कायनात का मास्टरपीस है, अल्लाह तबारक व ताला के क्रिएशन का क्लाइमेक्स है, तो वो उसका आगाज़ कैसे हुआ। तो इसमें तकरीबन जितने भी ज़हीन लोग हैं, अगर वो कुरान से रहनुमाई हासिल नहीं करते हैं या फिर मजहबी किताब जो आसमानी किताब है उससे रहनुमाई हासिल नहीं करते हैं तो वो ठोकरें खाते हैं। और 30 साल, 40 साल, 50 साल के रिसर्च के बाद भी जो आउटपुट सामने आता है तो ख़ुद उनकी थ्योरी पर जो है आज तक इत्तेफाक़ नहीं हो पाया, वो थ्योरी की थ्योरी रही। और आप देखेंगे कि इसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी ने नाम कमाया तो वो डार्विन है, लेकिन सोशल साइंस में तो उसको मकबूलियत हासिल हुई, साइंस के फील्ड में आज तक किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया उसको, कि जो थ्योरी पेश किया कि जो है वो डेवलप होते होते इंसान बन गया है, तकरीबन जो है बंदर से डेवलप होते होते। तो उसमें बहुत सारे लोग जो है ख़ुद ही सवाल करते हैं कि भाई 10,000 साल से इंसानों की तारीख चली आ रही है, तो फिर वो जो है कीड़े मकोड़े से डेवलप होते होते जो है जानवर बनते बनते बंदर बने, बंदर से डेवलप होकर इंसान बन गया, तो फिर वो डेवलपमेंट रुक क्यों गया, वो आगे बढ़ना चाहिए। और फिर क्या डेवलपमेंट सिर्फ बंदरों के लिए ख़ास थी, भैंस भी डेवलप होकर के कुछ हो जाए, गाय भी डेवलप होकर के कुछ हो जाए, सांप भी डेवलप होकर के कुछ हो जाए, तो तमाम मखलूक़ात के डेवलपमेंट अपनी जगह पर है, सिर्फ एक ही जो है मखलूक थे उसकी डेवलपमेंट हुई। तो हर बच्चा जो साइंस का स्टूडेंट है उसको रिजेक्ट कर देता है कि एक तो इंसान का और डेवलप होना चाहिए, अगर डेवलप होते आया है तो और भी हो जाए, और अगर हर कीड़े मकोड़े हर जानदार का अगर डेवलपमेंट है तो सिर्फ बंदर ही का क्यों, और लोग चीज़ का स्पीशीज़ का होना चाहिए। तो इसमें अल्लाह तबारक व ताला का बिल्कुल फजल व करम है, शुक्र एहसान है तमाम उम्मत मुस्लिमा पर और आसमानी किताब पर ईमान लाने पर, कि अगर इस मसले के बारे में पूछा जाए कि इंसान का आगाज़ कहाँ से हुआ तो 5वीं का बच्चा भी आराम से बता देगा कि इंसान का आगाज़ कैसे हुआ। तो वो आज मैं जो है ख़ास तौर से गैर मुस्लिमीन के लिए, नॉन बिलीवर के लिए जो है आसान अंदाज में बात रखने की कोशिश करूँगा ताकि उनको भी बात समझ में आ जाए कि इंसानों का आगाज़ कैसे हुआ। अल्लाह तबारक व ताला जब कायनात मौजूद नहीं थी तो अल्लाह तबारक व ताला ही पूरी कायनात में था और कुछ नहीं था। और अल्लाह नूर समावात वल्लर्स, अल्लाह ताला नूर ही नूर है। तो अल्लाह तबारक व ताला के क्रिएशन के एक जो है स्टाइल है कि इज़ा अरादा अमरन अन यकूल लहु कुन फयकून, जब भी वो किसी चीज़ का फैसला करता है, इरादा करता है, तो उसके लिए सिर्फ वो कहता कुन, कि हो जा, वो हो जाती है। तो अल्लाह तबारक व ताला को जब कायनात बनाने का इरादा हुआ तो अल्लाह ताला ने कहा कुन, तो अंदर से एक एनर्जी जो है निकली, वो एनर्जी जो है वो समझिए कि गोले के शक्ल में जो है अख्तियार करें, और उस एनर्जी में जो है अल्लाह तबारक व ताला ने उस एनर्जी से तमाम इंसानों के रूह को पैदा किया, जो कुरानिक वर्जन है। और फिर उसी नूर से जो है अल्लाह तबारक व ताला ने फरिश्तों को पैदा किया, और फिर वो जो गोले के शक्ल अख्तियार कर गई थी नूर, जो अल्लाह तबारक व ताला के कलमे कुन के कहने के नतीजे में जो एनर्जी ज़ाहिर हुई थी, यकीनी बात मैं बोल रहा तो कुछ तो एनर्जी बाहर आ रही है, तो उसमें फिर ब्लास्ट हुआ है। और वो ब्लास्ट हुआ है तो उसमें जो है फिर शोले निकले हैं, और वो शोले निकले हैं तो जो है आग ही आग, बहुत जो है समझे कि आग की जो है कोई लिमिटेशन नहीं थी। फिर वो जो आग ठंडी होनी शुरू हुई है तो फिर उसमें से जो है भाप बनकर जो है बारिश होना शुरू हुई है।
अब बारिश जो है कई हज़ार साल तक होती रही, और अल्लाह तबारक व तआला का कहना यह कुरान में कि तुम्हारे जो दिन होते हैं वो 24 घंटा में पूरे हो जाते हैं, सूरज का निकलना डूबना एक दिन हो जाता है, हमारे कोई भी दिन जो है वो हज़ार साल के दिन होते हैं और भी बड़े छोटे होते रहे। तो उसमें फिर बारिश होती रही साल हाँ साल तक। एक वक्त ऐसा भी आया कि वकान अरशु अलल मा, कि अल्लाह तबारक व तआला का अर्श जो है वो पानी पर था, यानी कायनात में कुछ नहीं सिर्फ पानी ही पानी। फिर उसके बाद जो है वो आग ठंडी हुई है, बारिश रुकी है और फिर जो है वो सुकड़ना शुरू हुई है, तो ये जो है ज़मीन जो आपको है वो सुकड़न के शक्ल में नज़र आती है, कहीं पर नशेब है, कहीं पर फराज है, कहीं पर कुछ है, कहीं पर समंदर है, कहीं पर पहाड़ है, ये बनी है। और फिर उसके बाद जो है ये जो फिर यहाँ पर जो डार्विन का नज़रिया आता है कि वो स्पेशीज़ वगैरह जो है, मतलब मिट्टी और पानी के बार बार मिलने से जो है जर्म पैदा हुए और उससे जो है जान पैदा हुई और उससे डेवलप होते होते ये हुआ। तो यहाँ तक बात सही है कि अगर जो है रूह का कॉन्सेप्ट मान लिया जाए तो इधर से मानने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कुरान में सूरह आराफ में ये आया है कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम सब में से आदम को चुन लिया। तो कुरान की थ्योरी ये है कि सबसे पहले अल्लाह ताला ने आदम को पैदा किया, तो वलकद खलकनाकुम सुम्मा सव्वरनाकुम, हमने तुम सबको पैदा किया, तो उस लिहाज से जो है वो स्पीशीज़ का मामला था। तो उसमें यह है कि अल्लाह तबारक व ताला ने ये जो प्रोसेस जो साइंटिस्ट बताते हैं वो भी सही है, अगर ये थ्योरी मान ली जाए कि उससे पहले इंसान के रूह को पैदा कर दिया गया था। अब वो रूह में जो है सुनने की सलाहियत भी थी, सोचने की भी सलाहियत भी थी, समझने की भी सलाहियत थी, और अल्लाह ताला ने सबसे पहले उसको जो है पैदा करके और जितने भी इंसान अव्वल से लेकर के आखिर तक आने वाले हैं सबको एक मैदान में जमा करके ये टेस्टमनी ले लिए थे कि अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। कालू बला, तो सब ने बैक जबान होकर जवाब दिए कि क्यों नहीं, आप हमारे रब हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा कि मैं भेजूँगा बारी बारी दुनिया में, तो वहाँ जा कर के भूल मत जाना और हमारे साथ शिर्क मत करने लगना। तो ये अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों के अरवाह को कोल्ड स्टोर में डाल दिया कि हर एक के अपना नंबर आएगा, बारी बारी से हम दुनिया में भेजूंगा और उसके बाद जो है ये। तो यहीं से पता चलता है कि ये अल्लाह तबारक व ताला ने क्यों पैदा किया और किस लिए पैदा किया। तो दो सवाल का कुरान खुद जवाब देता है कि इंसान को अल्लाह तबारक व ताला ने जो पैदा किया, ये मौत हयात का जो सिलसिला चलाया, पहले ज़माने में ज़्यादा लंबी ज़िंदगी देता था अल्लाह ताला, कम मुख्तसर कर दिया है। ये सिलसिला चलाने का मकसद क्या था अल्लाह ताला का, तो अल्लाह ताला ने कहा अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि अल्लाह तबारक व ताला इंसानों का इम्तिहान लेना चाहता था कि कौन अच्छा करता है कौन बुरा करता है। अब उसमें मकसद क्या है, ताकि अच्छे को अच्छा इनाम दे, बुरे को जो सज़ा दे। अब उस इम्तिहान का सब्जेक्ट क्या है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इस इम्तहान का सब्जेक्ट ये होगा कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, हम इंसान और जिन्ना दो मखलूक, जो बेशुमार मखलूक में से दो मखलूक हैं, इसको हम अपनी इबादत के लिए पैदा किया, तो अब ये हमारी इबादत ही करे तो फिर हम लास्ट में इनको इनाम से नवाजेंगे, और ये इबादत से डिस्ट्रैक्ट हो जाए तो हम इसको सजा देंगे। तो अब ये इबादत क्या है, तो इबादत यह है कि अल्लाह ताला ने कहा कि इंसान को ज़िंदगी गुजारने में जहाँ पर हमारा ऑर्डर आ जाए रहनुमाई के तौर पर कि ऐसा करो ऐसा ना करो, तो उन तमाम मामलात में अगर हमारी बात मान करके वैसे ज़िंदगी गुजार दे खुशी खुशी, तो यही इबादत है। मैं जैसे कहता हूँ खाना खाने के लिए वैसे खाए, जो खाने खाने के लिए बोलता हूँ वो खाए, जिससे मना करता वो मना हो जाए, तो फिर यही इबादत है। अब कुछ मखसूस इबादत है जो हमारे लिए हार्ट टचिंग है, नमाज है, रोज़ा है, इसमें दुनियावी फ़ायदा हो ना हो हमको खुश करने के लिए इबादत करो, तो ये इबादत है। तो किस लिए पैदा किया, क्यों पैदा किया, ये अल्लाह ताला ने क्लियर कर दिया कि क्यों पैदा किया हूँ, इम्तिहान लेने के लिए। अब इम्तिहान में सब्जेक्ट क्या है, वो इबादत है। तो इस लिहाज से अल्लाह तबारक व ताला का जब डिसीज़न हुआ कि बेशुमार मखलूक हैं, सब हमारी बात मान रहे हैं, ज़मीन है, आसमान है, चरिंद है, परिंदे, सब हमारी बात मान रहे हैं, कुछ ऐसे मखलूक मैं पैदा करूं जिसको अख्तियार हो कि वो रॉन्ग जाए या राइट जाए, सही करे या गलत करे, अब फिर भी अपने अख्तियार को इस्तेमाल करके जो है मेरी फरमाबरदारी करे, तो उसका मज़ा दोगुना होगा। एक ये है कि किसी को जो है रॉन्ग जाने की इजाज़त ही नहीं है,
दीवार से लगा दिया गया, तब वो अगर बात मान रहे तो उसमें कोई नहीं। एक यह है कि उसको इजाज़त है लेकिन फिर भी हमारी बात माने तो उसका मज़ा अलग है। तो अल्लाह ताला का फैसला हुआ कि मैं दो मखलूक ऐसे पैदा करता हूँ, तो उसमें से अल्लाह तबारक व ताला ने एक जिन्नात को पैदा किया और एक इंसान को पैदा किया। तो कायनात में बेशुमार मखलूक हैं, उसमें से तीन मखलूक जो है वो सुहायर लेवल के हैं, जिनको शऊरी मखलूक कहते हैं, बल्कि शऊरी क्या, खुद शऊरी जिनके अंदर है। शऊर तो जो है बिल्ली में भी है, खरगोश में भी है, कुत्ता में भी है, सब में है। खुद शऊरी जो है वो तीन मखलूक में है, एक है इंसान, एक है जिन्नात और एक है फरिश्ते। तो तमाम मखलूकात से पहले, सबसे पहले अगर अल्लाह ताला ने किसी चीज़ को पैदा किया है तो वो इंसान के रूह को पैदा किया है। अब ये रूह का फ़लसफ़ा मैं बार बार एम्फसाइज कर रहा हूँ, इसको बार में इसको रिलेट करूँगा। उसके बाद अल्लाह ताला ने जो इस कायनात में किसी मखलूक को पैदा किया तो वो किसको पैदा किया, फरिश्तों को पैदा किया, एंजल को पैदा किया। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अल्लाह तबारक व ताला ने फरिश्तों को नूर से पैदा किया, वही जो नूर था कलमे कुन से जो है एनर्जी जाहिर हुई थी, उसी नूर से अल्लाह तबारक व ताला ने फरिश्तों को पैदा किया। और फिर उसके बाद जो वो जो ब्लास्ट हुआ है, अब वो जो आग की लपट जो आग बढ़ी है, तो उसी आग की लपट से जो अल्लाह ताला ने जिन्नात को पैदा किया, जो खुद अल्लाह तबारक ताला ने कुरान में फरमाया है कि वल जान खलकना हो मिन कबल, और जो जिन्नात है मैं इंसानों से पहले उसको पैदा कर दिया था। तो दूसरे नंबर पर अल्लाह तबारक व ताला ने कंप्लीट मखलूक की बात की जाए तो पहले नंबर पर फरिश्तों को, दूसरे नंबर पर जिन्नात को उसको पैदा किया, और फिर अल्लाह तबारक व ताला ने इंसान को तीसरे नंबर पर पैदा किया, यानी इन मखलूकात में, यानी खुद शऊरी वाला जो मखलूक है उसको अल्लाह ताला ने कहा मैंने मिट्टी से पैदा किया। अब इसका भी बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया हुआ कि अल्लाह तबारक व ताला का फैसला ये हुआ कि मैं ज़मीन का एक कुर्रा है, जैसे बहुत सारे कुर्रे हैं, लेकिन लाइफ जो पॉसिबल है वो सिर्फ ज़मीन के कुर्रे पर है, कि यहीं के सपोर्ट से यहाँ आदमी ज़िंदगी सस्टेन कर सकता है। वरना आप जानते हैं कि दुनिया जो है वो चांद पे जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वहाँ पर आप उगा करके खा नहीं सकते, यहीं से ले जाएंगे एनर्जी सब चीज़ ऑक्सीजन वगैरह, तभी जो है लाइफ पॉसिबल है, वरना जो पॉसिबल नहीं है। तो इस ज़मीन का अल्लाह तबारक व ताला को किसी को नायब बनाना था, कि वो अल्लाह ताला के मर्ज़ी के मुताबिक नायब का रोल अदा करे और फिर अल्लाह ताला के इम्तहान दे करके अल्लाह के पास आ जाए। अब इसके लिए कौन से मखलूक अल्लाह ताला चुने कि ज़मीन का कंट्रोल किसके हवाले किया जाए? तो जिन्ना चाह रहे थे कि मैं भी हायर लेवल का हूँ, फरिश्ते चाह रहे थे कि मैं भी हूँ, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला का फैसला हुआ कि कायनात अर्जी का जो कंट्रोल मैं नायब बनाऊँगा वो किसको बनाना चाहता हूँ, वो इंसान को बनाना चाहता हूँ। तो ये पेशकश अल्लाह तबारक व ताला ने किया फरिश्तों के सामने कि वइस काल रब्बुका लिल मलाइकत इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, याद करो जब तुम्हारे रब ने मलाइका से कहा, फरिश्तों से कहा कि बेशक मैं ज़मीन में एक खलीफा बनाने जा रहा हूँ, अपना खलीफा नहीं ज़मीन का खलीफा, कि ज़मीन में मेरे मुताबिक जो है ज़मीन को मैनेज करेगा। तो अब यहाँ पर फरिश्तों को कहना चाहिए ओके बहुत अच्छी बात, लेकिन उन्होंने जो सॉफ्ट अंदाज में वो बात रखे, अतजलुफ़ीहा मयुफ़सिदुफ़ीहा, क्या आप उसमें उसको बनाएंगे जो उसमें फसाद मचाएंगे, वयस्व कुद्दमा अखून खराबा करेंगे, व नहनु नसब्बहु बिहमदिका व नुक़द्दिसु लक, जहाँ तक हम लोगों की बात है तो हम तो आपके जो है तमहीद बयान करते हैं, तकदीस बयान करते हैं और आपके जो है पाकी बयान करते हैं, उसके लिए तो काफ़ी हैं, रात दिन तो लगे हुए हैं। तो अल्लाह ताला ने उसको जवाब दिया कि जितना सॉफ्ट अंदाज में उनका जो है मुतालबा था, अल्लाह ताला ने वो ऐसे ही जवाब दिया, इन्नी आलम माला तालमन, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। वो क्या जानते थे, उनका कंसर्न ये था कि जिस मखलूक को भी आप जो है नायब बनाएंगे तो इस लाजमी है कि उसको कुछ ना कुछ इख्तियार तो देंगे, और इख्तियार का वो मिसयूज़ करेंगे तो फिर खून खराबा करेंगे, मारपीट करेंगे, फसाद मचाएंगे। तो अल्लाह ताला ने कहा कि मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते हो, कि वो सारे फसाद ही नहीं हो जाएंगे बल्कि उसमें इस्लाह के काम करने वाले भी लोग होंगे, यानी उसमें जहाँ जो है फिरौन नमरूद हामान शद्दाद अबू जहल ऐसे लोग होंगे तो वहीं पर जो है इब्राहिम नू मूसा ईसा अलैहिस्सलाम ये सब भी होंगे। तो अल्लाह ताला ने कहा मैं जानता तुम नहीं जानते। अब उन लोगों ने तो एक जो है कंसर्न जो शो तो कर ही दिए थे, तो अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया कि ठीक है मैं इनको बता दूँ कि जो मैं खिलाफत देने जा रहा हूँ तो उसका जो है असल में वो डिज़र्विंग पॉइंट क्या है, क्यों मैं दे रहा हूँ।
वो यह है कि वो इल्म के बेस पर उनको फोकियत दे रहा हूँ, ऐसे नहीं दे रहा हूँ। क्योंकि यकीनी बात है, किसी भी चीज़ को मैनेज करने के लिए, किसी भी चीज़ को चलाने के लिए नॉलेज चाहिए। कायनात भी एक जो है मशीन है, इसको चलाने के लिए मैनेज करने के लिए नॉलेज चाहिए। अब नॉलेज तुम्हारे अंदर ज़्यादा है या फिर जिन्नात के अंदर ज़्यादा है या उसके अंदर ज़्यादा है, एक डेमोन्स्ट्रेशन कर देता हूँ। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात के सारे चीज़ों के नाम सिखा दिए आदम अलैहिस्सलाम, वअल्लमा आदम अलअस्मा कुल्ला। और उसके बाद जब सिखा दिए, तब उसके बाद अल्लाह ताला ने फरिश्तों के सामने कहे कि इन तमाम चीज़ों के नाम बता दो। ये ज़मीन के जो कंट्रोल की बात है कि इसका नायब कौन बनेगा, तो मैं मैनेज कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता, ये खून खराबा करेगा, मैं इसलाह पैदा करूँ। अच्छा इनके नाम बताओ। तो कह नहीं, पहाड़ के फरिश्ते को सिर्फ पहाड़ का नाम मालूम था, पानी के फरिश्तों को सिर्फ पानी का नाम मालूम था, ज़मीन के फरिश्तों को सिर्फ ज़मीन का नाम मालूम था, क्योंकि फरिश्तों को जो है लिमिटेड स्कोप दिया गया है। आदम अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि आप बताए तो सारे चीज़ के नाम, तो वो फटाफट सारे चीज़ के नाम बता दिए, ये ज़मीन है, ये आसमान है, ये पहाड़ है, ये दरिया है, ये समंदर है, ये सारे चीज़ है। तो अब जो जानता है वो उसी को मैनेज कर सकता है। तो फिर वो अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया कि देखे, मैं जो है कहता था कि मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते हो, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम क्या छिपा रहे थे और क्या जाहिर कर रहे थे। तो इससे पता चल गया कि वो चाह रहे थे कि जब मैं इबादत में सबसे आगे हूँ और सब पुराना भी मैं हूँ, और ये तो अभी नई मखलूक आप कह रहे हैं कि मैं एक पैदा करूँगा, तो न्यू कमर को क्यों कंट्रोल दी जाए, हम लोग को दीजिए। तो अल्लाह ताला ने कहा नहीं, ये स्पेशल मखलूक होगी जो कायनात के बारे में सारा इल्म रखेगा। तो अब वो मान गया कि ठीक है, अल्लाह तबारक व ताला का इरादा है तो ये है। तो अब फरिश्ते जो थे वो हायर लेवल पे थे, जिन्नात जो थे वो जानते थे कि हम इनसे नीचे हैं, लेकिन साथ में रहते थे, वो भी इबादत करते थे। अब जब कोई भी मामला हो तो अगर हायर लेवल के लोगों को जो है ऑर्डर दे दी जाए, तो उसमें जो है नीचे लोगों के इंक्लूड हो जाते। तो अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया कि देखो, मैं कायनात का कंट्रोल इंसानों के हाथ में देने वाला हूँ, तो उसमें क्या होगा कि सिविल सर्वेंट तो यूनिवर्स के तुम रहोगे, लेकिन ये कायनात अर्जी में इंसान जो है इससे फ़ायदा उठाना, आपस के मामलात, ये कंट्रोल इनके पास रहेंगे। तो इनकी मर्जी में जो है जो करना चाहें, रॉन्ग जाना चाहें, राइट जाना चाहें, तुम अपने तरफ से इंटरफेयर नहीं करोगे। जैसे किसी को पहाड़ का फरिश्ता बना दिया है, अब कोई इंसान पहाड़ काटना शुरू कर दे तो फरिश्ते आगे रोक दें, हम नहीं काटने देंगे, तो फिर यकीनी बात है इंसान की तो आज़ादी नहीं हुई। तो इस लिहाज से अल्लाह ताला ने कहा कि तुम जो है यूनिवर्स के जो है सिविल सर्वेंट रहोगे, लेकिन ये जो ऑर्डर देगा उसमें तुम फुलफिल कर दोगे। जब हमारा ऑर्डर आ गया कि नहीं इसको नहीं करने दो, तो फिर तुम बचा लेना। जैसे कोई बच्चा गिरा, फरिश्तों को अल्लाह ने ऑर्डर दिया कि बच्चे को रोक लो, तो अल्लाह फरिश्ते रोक लेते हैं, लेकिन अल्लाह ताला का ऑर्डर नहीं रहेगा तो बच्चे गिर रहे थे, गिरने दो। कोई अब आग में फेंक दिया है तो बच्चा जले तो जले, अब अल्लाह ताला ऑर्डर देगा कि नहीं इसको उठा लो, तो अब फरिश्ते उठा लेंगे। तो ये सिविल सर्वेंट के लिए कि क्या तुम इनके जो है खिलाफत अर्जी कबूल है दिल से, तुम लोग एज ए सिविल सर्वेंट के तौर पर रहोगे। इसके लिए जो है एग्ज़ाम लिया उन लोगों का। अल्लाह ताला ने कहा कि देखो, जब मैं जो है इस जो नई मखलूक जो मैं पैदा करने जा रहा हूँ, उसका जब मैं ढांचा बना दूँ मिट्टी से, और फिर उसको नोक प्लग भी संवार दूँ, ये नोक प्लग वगैरह भी समझे कि 40 साल में संवरे हैं, पूरा बनाने के बाद भी अल्लाह ताला ने छोड़ दिया था, यह हदीस में। तो उसके बाद जो है वो जब पूरा ढांचा तैयार हो जाए, नोक प्लस वगैरह भी दुरुस्त कर दूँ, और उसके बाद जब मैं रूह फूंक दूँ तो तुम लोग सजदे में गिर जाना। तो उन लोगों ने कहा ठीक है। तो असल बात क्या थी कि इसकी अहमियत क्या है, ये जो मिट्टी से मैं ढांचा बनाया हूँ इसमें कोई जान नहीं है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये तो मिट्टी है, ये तो आग से भी कमतर है और नूर से तो आल बदर जला कमतर है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ तुमको, मैं बोल रहा हूँ कि जब इसका मैं जो ढांचा तैयार कर दूँ, इसका नोक पलक संवार दूँ, उसके बाद जब मैं नूर रूह को फूंक दूँ, वन फख तो फीहे मेर रूह ही फ़कूल साजिदीन, तो तुम लोग सजदे में गिर जाना। वरना वो 40 साल तक ढांचा पड़ा हुआ था, कोई सजदे में नहीं जा रहा था, आना जाने का ऑर्डर था। तो वो किसके सामने असल सजदा था, वो रूह रब्बानी जो फूकी गई थी, उसके वजह से अल्लाह ताला ने कहा कि जब ये चिप लगा है तो ये हायर लेवल पर हो गया। तो इस लिहाज से अल्लाह ताला ने जैसे ही अपनी रूह उसमें फूका है, यानी आदम अलैहिस्सलाम की जरूरत ही कोल्ड स्टोर से उठा करके उस ढांचे में डाला गया है, तो वो समझ जाइए कि सारे फरिश्ते सजदे में गिर गए। और सजदे में गिरे तो वैस कुल्ला लिल मलाइकतिस जुदू लिआदम फसजदू इल्ला इबलीस, सब के सब गिर गए,
इंक्लूडिंग जिब्रील अलैहिस्सलाम, मिकाल अलैहिस्सलाम, इसराफील अलैहिस्सलाम, विदाउट एनी एक्सेप्शन सब गिर गए, इल्ला इबलीस, सिवा इबलीस नहीं गिरा। क्यों? काना मिनल जिन, वो जिन्नातों में से था, वो बाख्तियार मखलूक में से था, लेकिन वो भी इबादत करते करते फरिश्तों के सफ़ में आ चुका था। तो अब हायर मखलूक को जब ऑर्डर हुआ तो नीचे लेवल के तो मदरजाला उसमें इंक्लूड है, वो खड़ा का खड़ा रह गया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उससे पूछा कि क्यों भाई, ऐसा क्यों? अबा वस्तकबर वकाना मिनल काफिरीन, वो इनकार करने वालों में उसे हो गया। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उससे पूछा, मा मनाका अन ला तस्जुद इज़ अमरतुक, तुम्हें किस चीज़ ने मना किया जब मैंने तुमको ऑर्डर दिया कि तुम इसको सजदा करो? मैं तो सबको, जो भी यहाँ पे मौजूद हैं, सबको मैं ऑर्डर दिया था कि सजदा करो इसको, क्यों नहीं किए तुम लोग? उसने दलील कहा कि आना खैरुम मिना, मैं इससे बेटर हूँ। क्यों? खलक़तनी मिन नार व खलक़तो मिन तीन, क्योंकि आपने मुझे जो है आग से पैदा किया, इसी मिट्टी से पैदा किया है, तो आग अफजल है, तो अफजल मफजूल के सामने सजदा कैसे करे? तो वो बात देखा ही नहीं कि ऑर्डर क्या था, कि फ़ैज़ा सव्वैतुहु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़ौलू साजिदीन, जब मैं इसका ढांचा तैयार कर लूँ, नोक प्लस फिनिश कर दूँ, फिनिशिंग टचेस दे दूँ, उसके बाद रूह फूंक दूँ, उसके बाद सजदे में गिरना है। तो वो रूह तो सबसे पहले पैदा की गई और अल्लाह ताला ने अपने नूर से पैदा किया, तो वो तो तुम्हारे आँख से बहुत आला दर्जे की है। तो उस लिहाज से इसने जो है इसी पर नज़र रखा। फिर भी अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि अगर वो रूह का मामला नहीं भी रहता तो मेरा तो ऑर्डर था ना, अगर तुम मेरे बंदे हो तो मैं चाहे जो है अफजल के सामने सजदा करने बोलूँ या मफजूल के सामने कर लूँ, तुमको ऑर्डर ओपे करना है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि फ़ाबित मिना, यहाँ से निकल जाओ, फ़मा यकून लक अन तकब्बर फ़ीहा फ़ख़्रुज इन्नका मिनस सागरीन, तुम्हें ये बात जेब नहीं देती कि तुम यहाँ पर तकब्बुर करो। तो तकब्बुर क्या चीज़ है? अल्लाह की नाफरमानी करना। आप कहते हैं ऐसा करो, हम नहीं करेंगे, तो फ़ख़्रुज इन्नका मिनस सागरीन, यहाँ से निकल जाओ जलील होकर के। जब अल्लाह ताला ने कहा निकलने के लिए, तो उसने कहा एक चांद दे दिया, क़ाल अंज़िरनी इला यौम युबअसून, उसने कहा कि मुझे मोहलत दे दीजिए क़्यामत तक के लिए। भाई क़्यामत तक जिंदा रह के क्या करोगे? हम ये साबित करेंगे कि खिलाफत अर्जी के ये हकदार नहीं थे, ये साबित कर देंगे, ये आपके इतने नाफरमानी करेंगे, इतने नाफरमानी करेंगे कि आप खुद इनसे चुड़ जाएंगे, भाई इनको नहीं बनाना चाहिए, ये हम साबित करेंगे। तो अल्लाह तबारक व ताला ने कहा ठीक है, इन्नका मिनल मुनज़रीन, जाओ तुमको मोहलत दी गई क़यामत तक के लिए। अब उसके बाद जाने के बाद उसने कहा फ़ैमा अग़वैतनी, क्योंकि आपने मुझे इसकी वजह से गुमराह किया है, तो लाक़ुदन्ना लका सिरातकल मुस्तकीम, तो हम आपके सीधे रास्ते पर हाथ लगा करके बैठ जाएंगे। सुम्मा लातियन्नहुम मिन बैन अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अयमानिहिम व शिमालिहिम वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, अब फिर हम इनके आगे से आएंगे, पीछे से आएंगे, दाएं से आएंगे, बाएं से आएंगे, यानी आपके सिरात मुस्तकीम पर, और इनमें क्या अक्सर को आप नाशुक्र पाएंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने भी कहा कि ठीक है, अगर जितने नाशुक्र हो जाएंगे इनके तुम्हारे साथ, सबको मैं जहन्नम में झोंक दूंगा, इसमें ज़ीरो टॉलरेंस, नो कम्प्रोमाइज। तो इस लिहाज से अल्लाह तबारक व तआला ने जो है ये अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में भेज दिया और फिर शैतान को भी मोहलत दे दिया। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जब जन्नत में भेजा तो जन्नत में जो है थोड़ा सा इब्राहिम आदम अलैहिस्सलाम अच्छा फील नहीं कर रहे थे, तन्हाई महसूस कर रहे थे, तो एक पार्टनर के तौर पर अल्लाह ताला ने जो है उन्हीं के ज़रिए से जो है मखलूक पैदा की, जो है हव्वा अलैहिस्सलाम। तो वो दोनों मिलकर के जन्नत में रहने लगे और अल्लाह तबारक तआला ने कहा ये पूरा बाग है तो यहाँ पर रहिए, इंजॉय कीजिए, और जैसे ज़िंदगी गुजारने गुजारिए, हर तरह की फैसिलिटी मौजूद है। एग्ज़ाम के तौर पर एक छोटा सा एग्ज़ाम में लेना चाहता हूँ और ये दिखाना चाहता हूँ कि तुम्हारा जो राइवल है वो कितना ज़्यादा जो है वो ये है ख़तरनाक है। तो उसके लिए एक छोटा सा एग्ज़ाम, वो ये कि फ़लाँ दरख्त के पास मत जाना, यानी उसका फल नहीं खाना, बस एक मना है, बकिया 99% फ्री है। अब सिर जो है स्कोप दिया गया शैतान को सिर एक, कि ये दरख्त के बाद तुम ला जाके ले जाकर के इनको बताओ तो समझ जाएंगे कि नाफरमानी हो गए, बकिया इनको तो पूरा ही ऑर्डर है कि जहाँ चाहे इंजॉय करें, तो कोई मसला ही नहीं है। उस एक पॉइंट को फोकस बना करके उसने जो काम कर दिया, फवसवसा लहुम अश्शैतान, तो अब जो है वसवसा अंदाजी शुरू किया शैतान, रात दिन बिना छुट्टी के जो लगा रहा, और फिर कभी हव्वा अलैहिस्सलाम को, कभी आदम अलैहिस्सलाम को,
वरगला रहा, फुसला रहा, दोस्त की शक्ल में, दुश्मन की शक्ल में आ रहा है, और बहलाने फुसलाने के बाद जो है यहाँ तक उसने कहा कि देखो ये दरख्त फलसफा ही उलट दिया कि ये जो दरख्त से मना किया गया वो क्यों मना किया गया मालूम है, इसलिए मना किया गया है कि अगर तुम दोनों इसको चख लिए यानी इसके फल को खा लिए तो या तो तुम मलाइका हो जाओगे यानी फरिश्ते हो जाओगे या फिर हमेशा हमेशा अल्लाह ताला जो है तुमको जन्नत में रखेगा। लेकिन अल्लाह ताला चाहता नहीं कि हमेशा हमें तुमको जन्नत दे, चाहता नहीं कि मलाइका बना दे, इसलिए अल्लाह ताला ने कहा उधर ना जाना क्योंकि उसको खाओगे अमर हो जाओगे, वो अमृत है। तो आप ये भी सोचे भाई इतना इंजॉय कर रहे हैं अब परमानेंट जॉब हो जाए तो अलग बात है, वो परमानेंट के चक्कर में जो है सब, तो जा कर के जो है। और इसमें जो है आम तौर से जो है क्रिश्चियन का जो है वर्जन है वो ये है कि उसने अपने काबू में किया हव्वा अलैहिस्सलाम का, हव्वा अलैहिस्सलाम ने जो है आदम अलैहिस्सलाम को कन्विंस कर लिया, इसीलिए वो ईव बोलते हैं हव्वा अलैहिस्सलाम, ईव से ईवल निकालती है, इसी ने जो है वो। लेकिन कुरान का वर्जन यह है कि नहीं, अगर दोनों किए दोनों ही हुए, लेकिन अगर एक जगह किसी एक का नाम लिया है दोनों में से तो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम का लिया, वलम नजीद लहू अज़्मा, उसमें अज़्म नहीं था। तो इस लिहाज से दोनों जैसे ही दरख्त का फल चखे हैं सबसे पहले अल्लाह ताला ने जो पनिशमेंट दिया है वो ये कि जन्नत का शाही लिबास ही छीन लिया दोनों बरनाओं में। अब उसके बाद तो दोनों को पछतावा हुआ और जो है सबसे ज़्यादा उनको जो है महसूस हुई है, पहली फीलिंग जो हुई है कि मैं जो है शर्मगाह को छिपाई जाए, तो कुछ नहीं मिला तो दरख्त के बड़े बड़े पत्थर ही को जो है टांग वांग करके छिपाना शुरू कर दिया। ये अल्लाह ताला ने बताया कि इंसान के फितरत में है, नेचर में है कि बॉडी के कुछ पार्ट्स को जो है वो छिपाने की कोशिश करता है। आज भी आप देखें मगरिब कितना भी बेहया हो गया है लेकिन कुछ ना कुछ जो है इसका जो लिहाज कर ही लेते हैं। अब उसके बाद जब निदामत हुई, जन्नत का शाही लिबास ही छिन गया तो अब कुछ बचा ही नहीं, तो उसके बाद जो है वो निदामत के आंसू हैं ये हैं। तो अल्लाह तबारक व ताला ने जो है थोड़ा सा डांटा भी कि फदल्लाहुम बिगरूर फलम्मा ज़ाक़ शजरत बदत लहुमा सवातहुमा वतफ़क़ा यख़ज़फ़ान अलैहिम मिन वरक़ अल-जन्ना, तो अल्लाह ताला ने आवाज़ दिया वनादाहुम रब्बहुमा अलम अनहकुमा अन तिल्कुमा शजरा, क्या मैंने तुम दोनों को इस शजर से इस दरख्त से मना नहीं किया था, वाकुल लकुमा इन्न शैतान लकुमा अदुव्वुम मुबीन, क्या मैंने कह नहीं दिया था कि शैतान तुम दोनों का खुला दुश्मन है, उसकी बातों में मत आना। लेकिन अब गलती हो गई थी, पछतावा था, अब इन दोनों के पास जो है माफ़ी मांगने वाले अल्फाज ही नहीं मिल रहे थे कि कैसे अल्लाह ताला से रूबरू हों, कैसे अपनी गलती को एक्सेप्ट करूं। तो अल्लाह तबारक तआला ने कहा कि जब निदामत हो जाती है तो अल्लाह ताला ने अल्फाज भी सिखा दिए, फतलक्का आत्म मिन रब्बी कलिमातिन, तो वो दोनों अपने रब से कुछ कलमात सीख लिए जिससे वो तौबा की दरख्वास्त कर सके। तो वो जो है वो कलमात क्या थे, वो कलमात मैं आपके सामने लिख दिया हूँ कि काला, उन दोनों ने कहा रब्बना ज़लमना अनफुसना, ऐ हमारे परवरदिगार हम दोनों ने अपने जानों पर जुल्म किए। तो ये आम तौर से जो लोग भी खुदा के नाफरमानी करते हैं वो खुदा का नहीं बिगाड़ते हैं, शरीयत का नहीं नुकसान करते हैं, ना इस्लाम को नुकसान करते हैं, वो असल में अपने जानों पर जुल्म करते हैं। अपने जानों पर कैसे जुल्म करते हैं, अपने जान को जहन्नम की आग का मुस्तहिक बनाते हैं, वरना वो फरमा बरदारी करके अपने जान को जो है वो जन्नत की नेमतों का भी मुस्तहिक बना सकते थे। तो रब्बना ज़लमना अनफुसना, ऐ हमारे परवरदिगार हमने नाफरमानी करके अपने ही जानों पर जुल्म किए, वइल्लम तग़फिर लना, अगर तूने हमें नहीं माफ़ किया, वतरहमना, और अगर तूने हम पर नजर करम नहीं किया, रहम ना किया, लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, तो हम लाजमन हम दोनों खसारा घाटे उठाने वाले हो जाएंगे। अब ये इतना हार्ड टचिंग दुआ था कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो है कबूल कर लिया, लेकिन 50% ही कबूल किया। दो दुआ जो है कुरान में बहुत है जो गलती होने पर यह है, एक यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में जब दुआ किए थे ला इलाहा इल्ला अंता सुभानक इन्नी कुंतु मिनज़्ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंता, नहीं है कोई माबूद सिवाय तेरे, सुभानक तू गलती से पाक। यहाँ तो अक्सर लोगों को पास कर दिया कि गलती किसी से होती नहीं है, लेकिन कुरान का वर्जन है कि गलती से पाक सिर्फ अल्लाह की ज़ात, ला इलाहा इल्ला अंता सुभानक इन्नी कुंतु मिनज़्ज़ालिमीन, बेशक हम लोग ज़ालिम हैं। तो ये अंबिया इकराम की दुआ है, तो यहाँ पर ये दुआ जब किए हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ठीक है, ये तो डेमोंस्ट्रेशन के तौर पर था कि बताऊँ तुमको कि तुम्हारा दुश्मन कितना ख़तरनाक है, तो इस चीज़ को तुम समझ गए, अब तुम लोगों को मैं जो है भेजूँगा दुनिया में,
जो ज़मीन देनी थी खिलाफत अर्जी, वहाँ भेजूँगा और वहाँ पर हज़ारों चीज़ जो है वो परमिसेबल होंगे और हज़ारों चीज़ फॉरबिडन होंगे। अब उसमें तुमको हज़ारों चीज़ में इताअत करनी है कि करना है ये काम, और हज़ारों चीज़ से रुकना है। अब यकीनी बात है शैतान का स्कोप बढ़ गया, तुम्हारा स्कोप बहुत क्रिटिकल हो गया, लेकिन तुम एक एग्ज़ाम में फेल हो गए हैं, तो अब दूसरे इम्तहान में अगर प्रूफ कर दोगे कि यू आर ओबीडियंट और तुम शैतान के चकमे में नहीं आओगे, उसके फरमा बरदारी नहीं करोगे, तो फिर मैं तुमको जो है जिस जन्नत से निकाला हूँ उसी में तुमको दाखिल कर दूँगा। तो एक छोटी सी लाइफ में तुमको एग्ज़ाम लेता हूँ। अब उसमें क्या हुआ अल्लाह ताला ने कि शुरुआती दौर के लोगों को जो है वो एग्ज़ाम जो था वो आसान था कि वो नाफरमानी के जो है स्कोप बहुत कम थे, मतलब बुराई के रास्ते ही बहुत महदूद थे, तो उसमें लंबी ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने इम्तहान ले लिया। अब यहाँ पर जो हज करदम कदम पे बुराई आ गई है तो अल्लाह ताला ने लाइफ छोटी कर दिया। अच्छा ठीक है 60 साल एग्ज़ाम में दे दो। कहाँ नूह अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला ने उनको 1000 साल इम्तहान लिया कि 1000 साल तक साबित करें कि आप जो है शैतान की बात नहीं मानेंगे रहमान की बात मानेंगे। लेकिन वहाँ पर बुराई डिस्ट्रक्ट होने के जो है वो फिसलन जो है बहुत कम थे, यहाँ पर कदम कदम पर जो फिसलन है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि ठीक है एक छोटी सी लाइफ कर देता हूँ 60 साल, उसमें भी क्या है 10-15 साल तो बचपन के ऐसे ही माफ़ कर देता हूँ, तो 30-40 साल उसमें ये कर दो। तो वो अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया कि एह बेतू, यहाँ से जाओ तुम लोग, बाज़ुकुम लिबाज़िन अदू, तुम लोग आपस में एक दूसरे के दुश्मन हो गए, ज़मीन में एक ठिकाना रहेगा तुम लोगों के लिए और एक मुद्दत तक जो है वहाँ पर फ़ायदा उठाना रहेगा, और उसमें तुमको साबित करना है कि तुम रहमान के फरमा बरदार हो या शैतान के फरमा बरदार। अब यहाँ पर अल्लाह ताला ने कहा कि जो आदमी साबित कर देगा, अब फिर मैं ज़मीन पर जो है वहाँ पर ज़िंदगी को सस्टेन करने के लिए, ज़िंदगी को एंजॉय करने के लिए सारी नेमतें वहीं रख दिया हूँ, उसको एक्सप्लॉयट करो, तजुर्बा करो, तुम्हारी लाइफ बढ़ती जाएगी। लेकिन कुछ मैं जो है ज़िंदगी इज्तिमाई लिहाज से या इनफरादी लिहाज से कैसे गुजारी जाए उसके लिए मैं ऊपर से जो है रहनुमाई भेजूँगा कि ये मुझे पसंद है ये मुझे नापसंद है, उसकी जो फॉलो उसको जो फॉलो करेगा उसकी जो इताअत करेगा तो समझ जाइए कि वो जन्नत में जाएगा, और उसको जो इग्नोर कर देगा तो फिर समझ जाइए कि शैतान के साथ जो है उसका भी अंजाम हो जाए। तो ये अल्लाह तबारक व ताला ने इस उसूल के तहत इंसान यानी आदम अलैहिस्सलाम, हव्वा अलैहिस्सलाम और जिन्नात को भी ज़मीन पर उतारा, और उसके बाद जो फिर उनकी औलाद का सिलसिला शुरू हुआ और ये हक व बातिल की जंग शुरू हुई। हक व बातिल की जंग शुरू हुई तो शैतान भी एक्टिव हो गया अपने लाव लश्कर के साथ, जिन्नातों में से भी उसने अपना हमनवा बनाया, इंसानों में से भी अपना हमनवा बनाया, और जब जब वो गालिब आ जाता है कि अजीम अक्सरियत को अपने जो है चक्कर में ले लेता है तो अल्लाह तबारक व ताला फिर जो अजीम रसूल को भेज करके उसकी दावत को साइड कर देता था, और फिर तौहीद को अल्लाह ताला के तालीमात को ज़िंदा कर देता था, फिर जैसे ही उसमें जो है मान पड़ जाते थे शैतान गालिब हो जाता था, फिर अल्लाह ताला ये कर देता था। अब जो अंबिया किराम की जिम्मेदारी थी वो अल्लाह ताला ने एक कलेक्टिव उम्मत को जिम्मेदारी दे दी, तो इस लिहाज से यह हक व बातिल की कशमकश जो है जारी है और जारी रहेगी। लिहाजा किसी शायर ने जो है बहुत अच्छे अंदाज में कहा है कि एक एक लफ्ज़ में जो है चारों के डिफिनेशन बताइए, तो उसने बताया बहुत अच्छा कि रहमान किसे कहते हैं, इंसान किसे कहते हैं, हैवान किसे कहते हैं, और जो है ये तो वो जो है चार शेर में चार लाइन सुना देता हूँ तो उससे समझ में बात आ जाएगी कि यहाँ पर ये जो किस्सा आदम इबलीस का उसमें मैसेज क्या है कि गलती दोनों से हुई, इबलीस से भी हुई और आदम अलैहिस्सलाम से भी हुई, लेकिन इबलीस क्या है अड़ गया और दलील हुज्जत देने लगा, और आदम अलैहिस्सलाम से गलती हुई तो वो दलील हुज्जत नहीं देने लगा, नहीं उसने तो ऐसा बोला था तो मेरी तो नीयत ये थी तो मेरी तो वो नीयत थी, और मैं तो बाद जो है हमेशा जन्नत में रहना चाहता था, मेरा तो आपके खिलाफ वर्जी ये नहीं थी, नीयत नहीं थी, कुछ नहीं, बस गलती हो गई, अल्लाह ताला रब्बना ज़लमना अनफुसना। तो ये आदमियत में और इबलीसियत में यही फ़र्क है कि गलती करके जो अड़ जाता है वो इबलीस के जो सुन्नत पे चलता है, और जो गलती करके जो है तौबा इस्तिगफार करके फिर अपना मामला ठीक कर लेता है वो उसको आदमियत बोलते हैं। तो न हो जिससे कभी गलती उसे रहमान कहते हैं, बेहतरीन उसने तर्जुमानी की कुरान की कि न हो जिससे कभी गलती
उसे रहमान कहते हैं, और जो गलती पर करे गलती उसे हैवान कहते हैं। बार बार गलती समझाते जाओ, गलती कर समझाओ, गलती करें तो ना हो जिससे कभी गलती उसे रहमान कहते हैं, और जो गलती पर करे गलती उसे हैवान कहते हैं, और जो गलती करके अड़ जाए उसे शैतान कहते हैं, और जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं। तो हम लोग जो इंसान की औलाद हैं, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, तो हम लोगों के लिए अल्लाह तबारक व ताला ने जो है जहाँ हार्ड एग्ज़ाम दिया है वहीं पर एक जो है गुनाह को मिटाने वाला रबड़ भी दिया है। ठीक है, गलती हो जाए तो तौबा का एक रबड़ देता हूँ। जैसे बच्चे जो शुरुआत में लिखना सीखते हैं तो वो गलत लिख देते हैं तो उसके साथ रबड़ भी दे देते हैं कि इसे मिटा दिया करो, फिर लिखो, फिर गलत हो जाए फिर मिटा दो। तो इसी तरह हम लोग को भी अल्लाह ताला ने एक तौबा का रबड़ दिया है कि कितनी भी गलती हो जाए तौबा के साथ रुजू करो, निदामत के साथ रुजू करो, तो अल्लाह ताला पहाड़ों जैसे गुनाह भी माफ़ कर सकते हैं। तो इस लिहाज से हम लोगों के लिए जो है तौबा बहुत बड़ी नेमत है, और तौबा के आंसू तो अल्लाह तबारक व ताला को मोतियों से भी ज़्यादा पसंदीदा है। हदीस में आता है कि दो मोती ऐसे हैं, दो कतरे ऐसे हैं कि ज़मीन पर गिरते नहीं कि अल्लाह कबूल कर लेता है। एक शहीद के खून का कतरा और एक जो है निदामत के तौबा का आंसू। वो तो समझे जो अल्लामा इकबाल ने कहा कि मोती समझ के शान करीमी ने चुन लिए, मोती समझ के शान करीमी ने चुन लिए, कतरे जो थे मेरे इरक़े इन्फ़िआल के। तो वो जो कतरा था तो निदामत का आंसू, उसको रहमान तो जो है अल्लाह तबारक व ताला मोती समझ के चुन लेता है कि ये जो हमारा बंदा था जिसको शैतान उचक के ले गया था फिर तौबा करके मेरे फोल्ड में आ गया और मेरा सिपाही बन गया। तो इस लिहाज से हम लोगों को भी तौबा को जो अपना हथियार बनाना चाहिए और तौबा के ज़रिए से शैतान से हट करके रहमान के आप दामन में आने की कोशिश करते रहना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हम तमाम लोगों को आदम अलैहिस्सलाम के तरीक़े पर चलने की तौफीक अता फरमाए। इसके बाद इंशाल्लाह उनकी जो उनके दो बेटे की जो लड़ाई हुई थी हाबिल और काबिल, तो वो इंशाल्लाह कल उनका जो है वाकया हम पेश करेंगे। अल्लाहुम्म मन अहयी तो मिन्ना फ़अहयी अलल इस्लाम, वमन तवफ़ी तो मिन्ना फ़तवफ़हु अलल ईमान।